मार्केट देखो एक गैप अप खोल सकता है और खोलना भी चाहिए मार्केट को, क्योंकि मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। तो जरा निफ्टी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, होल्डिंग में क्या जा रहा है। होल्डिंग में भी ठीक ही है। अगर होल्डिंग में पीएनबी में हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा तो यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है, मार्केट खुलने देते हैं। लेकिन उससे पहले हम जरा निफ्टी को चेक करते हैं। निफ्टी को अगर मैं मंथ टाइम फ्रेम में देखता हूं तो मार्केट में निफ्टी का एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। देखते हैं अगर वो मिलेगा तो। रेजिस्टेंस है मार्केट में निफ्टी का, और वो कौन सा है? अब की बार मैं यूज कर रहा हूं ट्रेंड लाइन को, देखो ये मार्केट को, ये मैंने यहां पर देखा। तो मेरा रेजिस्टेंस कहां पर आ रहा है जरा देख के बताएं सब लोग प्लीज, कहां पर रेजिस्टेंस आ रहा है? यहां पर आ रहा है या नहीं? ये ऊपर सबको दिख रहा है, यस सर। ऊपर एक रेजिस्टेंस। अब वो लेगा नहीं लेगा अलग बात है, लेकिन हमारे पास एक रेजिस्टेंस है वहां पर। तो उस रेजिस्टेंस को जरा हम देखने की कोशिश करेंगे मार्केट वहां से क्या करता है। एक छोटा सा पार्ट और भी है, और वो ये है कि मार्केट भले ऊपर खुल रहा है, अगर मैं इसे बॉलिंगर बैंड के बेस पर देखता हूं, ध्यान से चेक करिएगा मैं क्या दिखा रहा हूं। अगर मैं बॉलिंगर बैंड के बेस पर देखता हूं तो देखो बॉलिंगर बैंड की एक खूबी होती है कि मार्केट जब भी बॉलिंगर बैंड से बाहर जाता है वापस आता है। जब भी मार्केट बॉलिंगर बैंड पे जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि रिवर्स होगा, केवल वापस आएगा बॉलिंगर बैंड के अंदर। तो इसका मतलब अभी देखो बॉलिंगर बैंड का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, देख रहे हैं बाहर नहीं गया मार्केट। तो इस रेंज तक मार्केट का एक मूव बचा हुआ है, और कौन सी रेंज है वो? लगभग 20,600 है। इसका मतलब अभी भी मार्केट 20,600 तक जा सकता है, सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं। और मैं इसको लाइन डाल देता हूं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली यहां तक मार्केट जा सकता है, राइट है? ये कौन बोल रहा है? ये मेरे को बोल रहा है बॉलिंगर बैंड। इसका मतलब इस पॉइंट तक का मार्केट एक मूव कर सकता है। अगर मैं अब ट्रेंड लाइन लगाता हूं, अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूं तो ट्रेंड लाइन मेरे को यहां से और यहां तक अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू देती है। इसका मतलब ये इस रेंज से, यहां रीजन से मार्केट शायद वापस हो भी सकता है, रिवर्सल नहीं लेगा लेकिन एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो हम इस ओपिनियन में रहेंगे कि मार्केट जो है एक मूव ले सकता है। अब ऊपर का अगर मैं कोई मूव देखता हूं यहां पर, तो यहां पर मेरे को ऊपर का कोई भी एक रेजिस्टेंस ऐसे दिखाई नहीं दे रहा कि पहले का कोई रेजिस्टेंस हो, लेकिन हम यहां पर एक रेजिस्टेंस जरूर बनाएंगे। और वो कौन सा रेजिस्टेंस है? ये जो आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये वाला, ये रेजिस्टेंस यहां पर आता है अराउंड 20,500 के आसपास, 500 और 600 के बीच में एक रेजिस्टेंस मेरे को देखने को मिलेगा। तो मार्केट क्या कर रहा है देख लेते हैं। 9:05 हुए हैं और 20,600 पे मार्केट खुल रहा है, और 20,600 काफी ऊपर है, देख रहे हैं 20,600 यहां पर है। तो ह्यूज गैप अप है, मतलब लगभग कितने पॉइंट का? अप्रोक्सीमेटली 300 और 600, 300 पॉइंट का गैप अप है। अब 300 पॉइंट के गैप अप का मतलब क्या हुआ? मार्केट और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा? यस, क्या बोलेंगे? नहीं जल्दी से जाएगा बोले, नीचे थोड़ा सा आएगा सर, मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल है। तो हम यस, तो मतलब हम कोशिश करेंगे। देखो ये ओपिनियन पहले बनाने, भले ही मार्केट कहीं पर भी जाए लेकिन आपकी ओपिनियन मैटर करती है, आपकी प्रोबेबिलिटी मैटर करती है। तो प्रोबेबिलिटी मेरे को ये बोलती है कि मार्केट अगर इतना बड़ा गैप अप खोलेगा तो मार्केट का ऊपर थोड़ा जाना मुश्किल होगा, जा भी सकता है लेकिन हम ओपिनियन में रहेंगे कि मार्केट नीचे आएगा। तो लेकिन एक काम पर, इस टाइम पर एक काम जरूर करना है, वो ये करना है कि मार्केट अगर 300 पॉइंट गैप अप खोल रहा है तो इस टाइम पर जो आपकी होल्डिंग्स हैं वो आपको पैसा देंगी कि नहीं देंगी बताएं? देंगी। यस सर। तो वहां पर अपना कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करना जरूरी है या नहीं है? डन, यस सर। ये हमें जरूर करना पड़ेगा। देखो पीएनबी जो है वो अराउंड 80.7 पर बंद हुआ था, और मार्केट में अगर ये 82 पे खोलेगा या 84 पे खोलेगा तो इसका मतलब ये भी एक ह्यूज गैप अप होगा, हमें थोड़ा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ये जरूर सोच ले कि हमें कितना प्रॉफिट बुक करना है, ये पहले से डिसाइड करके रखें। अगर मेरे पास यहाँ पर 1350 क्वांटिटी है, ये देखिए, देख रहे हैं आप क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, कहां पर खुल रहा है ये पीएनबी? 83 पर, देख रहे हैं, जो 6,000 का प्रॉफिट था वो लगभग 10,000 का प्रॉफिट बन गया 83 पर, राइट है? आप यहां पर से क्या करें, मैंने आपको बोला बड़ा क्वांटिटी बुक नहीं करनी है, आप छोटी छोटी क्वांटिटी को बुक करते चले,
यहां से ऐसे मेरे पास 1350 है, क्यों मैं छोटी क्वांटिटी बुक करूंगा इस पॉइंट को भी बताता हूं। यहां से एक पॉइंट को चेक करें, अगर मार्केट ध्यान से समझना, ये पॉइंट है छोटे छोटे से काम आएंगे कि मेरे को ज्यादा क्वांटिटी बुक क्यों नहीं करनी है। मार्केट देखो अपना पुराना वाला हाई पीएनबी में कहां बना के बैठा है, 83.65, और मार्केट कहां पर खुल रहा है, यस मार्केट कहां पर खुल रहा है, मार्केट इस हाई के जस्ट पास में खुल रहा है। तो मार्केट ऊपर जाने के लिए खुल रहा है या नीचे जाने के लिए बताए? ऊपर जाने के लिए, हाई ब्रेक करेगा, अगर हाई ब्रेक करेगा मार्केट तो हमें यहां पर ज्यादा क्वांटिटी बुक नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बुक करते चले, छोटी छोटी क्वांटिटी, वो 20-25 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को बुक करते चले। यहां पर मैंने कुछ स्टॉक निकाल के रखे अगले साल के लिए, अगले साल के लिए सारे स्टॉक्स आपके पास एक अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं, आप चाहो तो इनको नोट करके रख सकते हो, अपने एनालिसिस के लिए डाल सकते हो इनको। इनमें बायोकॉन है, पीएनबी है, एशियन पेंट, रिलायंस, रिलायंस बहुत अच्छा मूव आपको दे सकता है अगले साल, राइट अगले साल जनवरी से हमें एक बहुत अच्छा मूव रिलायंस का देखने को मिलेगा। लालपात लैब है, डिविस लैब है, ठीक है, हैवल्स है, गोदरेज सीपी है, एम्फेसिस भी बहुत अच्छा मूव देगा आपको, अंबुजा सीमेंट, मारिको, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, बीपीसीएल भी अच्छा मूव देगा, ये सारे के सारे जो है, टाटा कैम भी है इनमें, आईसीआईसीआई, जीआई, एसीसी है, ये सारे के सारे एक अच्छा मूव दे सकते हैं आपको। इनमें जो सबसे अच्छा मूव आपको देके जाएंगे वो दो स्टॉक होंगे, एक होगा पीएनबी और एक होगा रिलायंस। रिलायंस बहुत अच्छे मूव पे आएगा, तो इसको थोड़ा सा प्यार से हैंडल करना, ये आपको एक अच्छा बड़ा मूव देके जा सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टॉक्स को डील करना, वो आपके अच्छा मूव देके जाएंगे। तो 20,600 पे मार्केट खुल रहा है हमारा, और 20,600 कहां पर आ रहा है, 20,600 यहां पर देखते हैं, तो 20,600 आपका लगभग यहां कहीं आएगा, ये राइट है, तो यहां कहीं पर अप्रोक्स मार्केट खुल रहा है, और लगभग 300-350 पॉइंट का गैप अप, अच्छा गैप अप है ये। तो हम कोशिश करेंगे कि मार्केट को हम थोड़ा सा पहले देख ले, 5-10 मिनट की मार्केट क्या कर रहा है, क्योंकि इश्यू क्या होगा कि इतना ऊपर कोई कॉल लेना या इतना ऊपर कोई फ्यूचर लेने में कोई समझदारी नहीं है एकदम से, राइट। अगर नीचे से लेते तो मेरे को समझ में आता, लेकिन इतना ऊपर से अगर मैं कोई कॉल लेता हूं और मार्केट अगर किसी भी रीजन से रिवर्स करेगा तो एक बड़ा लॉस दे सकता है। तो हम पहले अपने आप को श्योर कर लेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तब जाके हम इसमें एंट्री करेंगे। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आपके पास कि आप यहां पर अपना पिवोट यूज कर लो, राइट। मार्केट में देखते हैं यहां पर पिवोट क्या बोल रहा है, पिवोट देखो मार्केट कहां पर है, मंथ के जो पिवोट है उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। अभी क्या किसी सपोर्ट पर है मार्केट, बताए? नहीं है, मंथ के सपोर्ट पर नहीं है निफ्टी, राइट है, इस बात का ध्यान रखना। नीचे से सपोर्ट पर है लेकिन दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है मार्केट, इस बात का हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा। जब कभी बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट पिवोट के बीच में होता है तो उससे छोटा टाइम फ्रेम, छोटा कौन सा, मंथ और वीक पिवोट ऑलमोस्ट बराबर होंगे तो डे का हो गया या एक घंटे के मार्केट सपोर्ट पर जरूर होना चाहिए जहां पर मार्केट ओपन हो रहा है। तो मैं इसको अगर डे टाइम फ्रेम में देखता हूं तो क्या मार्केट सपोर्ट पर है, आप देखते हैं मार्केट खुल रहा है 20,600 पर और मैं यहां पर 20,600 पर एक लाइन डाल के रख लेता हूं, ठीक है, जिससे हमें पता रहे कि कहां पर है। तो 20,600 आपका अप्रोक्सीमेटली ये आ गया यहां पर, राइट, अप्रोक्सीमेटली यहां पर है। तो 20,600 यहां पर खुल रहा है, तो अगर मैं डे का सपोर्ट देखता हूं तो मार्केट अपने डे के सपोर्ट के ऊपर खुल रहा है, लेकिन खुलना कहां चाहिए था, यहां खुलता तो ज्यादा अच्छा था कि इस सपोर्ट से भी ऊपर खुल रहा है कि नहीं, राइट है, इसका मतलब एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड हो जाएगा इसका यहां से, राइट है, हालांकि बुलिश मोमेंटम है पर रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड हो जाएगा। मैं यहां से एक घंटे को भी देख लेता हूं, क्या एक घंटे का कोई सपोर्ट मेरे को दिख रहा है, आप जरा देखें यहां पर आपका मार्केट, माइक को बंद कर ले एक मिनट, मार्केट में यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट में अगर इस जगह को मैं देखता हूं तो मेरे को यहां पर यह पता लग रहा है कि मार्केट अपने एक घंटे के तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अभी ये देखिए मंडे, ठीक है, आज मंडे है, मार्केट को खुलने देते हैं, नया रेजिस्टेंस बनेंगे, देखते हैं मार्केट को कहां रेजिस्टेंस नए बनते हैं।
और अगर मैं इसका रेजिस्टेंस नोट करता हूं, जैसे हम पीछे का रेजिस्टेंस नोट कर रहे थे, तो नया पिवोट मेरा बन के आ रहा है यहां पर, ध्यान से चेक कीजिए, नया पिवोट मेरा है ये, मार्केट पिवोट के ऊपर ही है, इस पिवोट के ऊपर, मार्केट को कम से कम इस रेजिस्टेंस के ऊपर रुकना चाहिए या नहीं एक घंटे में, यस और नो, ये बात समझे, सब बताए सब लोग, एक घंटे में सपोर्ट कहां पर है, एक घंटे का सपोर्ट मार्केट का ये मिल रहा है ऊपर, तो मार्केट अगर यहां पर खुल रहा है तो बिल्कुल सपोर्ट के नीचे खुल रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट ले सकता है मार्केट खुलते ही, लेकिन मार्केट अगर इस जगह पर बैठ गया तो अपना एक सपोर्ट बना लेगा, तो मेरे को ये जगह पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, कम से कम 5-10 मिनट, राइट है, ये पार्ट सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, यस आ गया, क्यों कौस्तुब जी, बसंत जी, आशुतोष जी, अरविंद जी, आया समझ में ये वाला पॉइंट, तो अब हमारा मार्केट देखो, अब हमारा मार्केट चूंकि अपने सपोर्ट के, अपने एक रेजिस्टेंस है और उसके नीचे खुल रहा है, तो मार्केट एक बैक मार सकता है आराम से, लेकिन मार्केट अगर 5 या 10 मिनट में इसके ऊपर बैठ जाता है तो आपका एक बाय बनना शुरू हो सकता है, तो ये हमारे लिए क्रूशियल मोमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पिवोट यहां पर बन रहा है, और ये भी कौन सा है आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये पिवोट है, ये R1 है, R2 है, तो R2 के ऊपर बैठ रहा है, और अगर मार्केट यहां से सपोर्ट ले जाता है, ध्यान से चेक करना, मार्केट अगर यहां पर सपोर्ट ले जाता है तो इसका मूव ये R3 तक है, तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, और ये कहां पर है, ये आता है आपका 21,000, मतलब लगभग 400-500 पॉइंट का मूव यहां पर बनता है आपका, अगर मार्केट यहां पर सपोर्ट लेता है तो, इसलिए हमें यहां पर देखना पड़ेगा। चलिए पहले तो मार्केट को खुलते ही अपना अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहां से, ठीक है, एग्जिट करेंगे और कुछ प्रॉफिट यहां से अराउंड 50 क्वांटिटी बुक कर लेंगे यहां से, देखते हैं मार्केट क्या करता है, खुलने देते हैं, राइट, और 70 अगर मार्केट ऊपर चलेगा तो कुछ और प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहां से, चलने देते हैं, अभी 14 हुए हैं, 15 पे जाने देते हैं इसको, मार्केट पर ही कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, ये देखिए मार्केट में ये प्रॉफिट बुक, देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिए अभी लगा हुआ, ये वैलिडेटिंग पेंडिंग, जैसे ही आप देते हो 15 पर तो ये इश्यू हो जाते हैं, ये वैलिडेट पेंडिंग आपको दिखा देगा, अभी थोड़ी देर बाद इसको लेके चला जाएगा, देखिए यहां 1350 क्वांटिटी है, अभी लेके नहीं गया, लालपात लैब मैंने आपको बोला था एक प्रॉफिट आपको देके जाएगा, लालपात लैब, लालपात लैब के देखो मैंने 10 ही क्वांटिटी ली थी, इसमें से देखो 50 चली गई है, लालपात लैब को मैंने बोला था एक अच्छा प्रॉफिट आपको देगा, ये लालपात लैब है, ठीक है, लालपात लैब अब ऊपर चलना शुरू हुआ है, शुरू हुआ है, मैंने 10 क्वांटिटी इसको रखी हुई है, अब छोटी सी क्वांटिटी रखी है, बड़ी क्वांटिटी नहीं रखी, क्यों, क्योंकि मार्केट अपने पिवोट के ऊपर आ गया है, एक मूव ले सकता है, तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है लालपात लैब का, तो लालपात लैब को हम अपने पास रख लेंगे, ये मैंने रखा हुआ है लालपात लैब को, और हमने PNB का थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया है, हल्का सा प्रॉफिट, 50 क्वांटिटी हमने बुक कर ली है, और इसको भी हमने रखा हुआ है, लालपात लैब में हटा नहीं रहा हूं, ऐसे ही छोड़ा हुआ है मैंने, ठीक है, SBIN भी देखिए एक अच्छे मूव पर है, 10 क्वांटिटी SBIN की है, पर SBIN में हटा देता हूं, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं, SBIN भी प्लेस कर देते हैं, या लालपात लैब भी हटा देते हैं, अभी मेरे को इसका काम नहीं है, ठीक है, आप रखना चाहो रख लो, बहुत अच्छा है ये लालपात लैब, आप रखने के लिए रख सकते हो, SBIN भी अच्छा है, इसको भी रख सकते हो, PNB आपने रखा हुआ है, तो चलिए वापस चलते हैं अब, और आते हैं अपने निफ्टी 50 पर वापस, निफ्टी 50 मैंने आपको क्या बोला, यस, क्या मैंने बोला आपको, क्या होना चाहिए था बताएं, रिट्रेसमेंट हमने यही एक्सपेक्ट किया था, देखो हमने यही एक्सपेक्ट किया था, तो अभी देखो होल्डिंग में से मेरे निकल गए हैं, लालपात लैब भी निकल गया, SBIN भी निकल गया, दोनों निकल गए, अब मेरे पास बचा हुआ है PNB, और PNB को मैंने 50 क्वांटिटी यहां से हटा दी है, और ये मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है 10,000 का, ठीक है, तो अब वापस आते हैं, ये मैंने निकाल चुका हूं, अभी हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, अब हम ट्रेड कब लेंगे, अब जरा समझते हैं मार्केट में ट्रेड लेने का तरीका क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा, मार्केट भले ही नीचे आएगा लेकिन मार्केट है किस में, बाय में खुला है कि नहीं, राइट, खुला तो गैप अप है ना, बाय में खुला है, उसने गलती नहीं की मार्केट ने, मार्केट अपने सही पोजीशन पे है, लेकिन मार्केट चूंकि ह्यूज गैप अप पर है, ह्यूज गैप अप पर है, तो मार्केट अपना सपोर्ट लेने के लिए नीचे आ सकता है, यस बताएं कहां तक सपोर्ट लेने के लिए आएगा, ये आपका एक गैप कवरिंग हो सकती है या नहीं, यस
गैप कवरिंग के लिए मार्केट आएगा, तो गैप कवरिंग के लिए मार्केट, ये रिलायंस भी बहुत अच्छा है, रिलायंस को भी आप थोड़ा सा चेक कीजिए, ये देखो रिलायंस भी आपके पास एक बाय में आ जाएगा, रिलायंस भी एक अच्छे बाय में है, और मैं वेट कर रहा हूँ रिलायंस को बाय का, रिलायंस अभी अभी गया है, तो चलो मैं रिलायंस के भी 10 क्वांटिटी रख लेता हूँ, ठीक है ये भी रख लेता हूँ मैं, बाकी हटाएं तो रिलायंस देखो मैंने यहाँ पर से 10 रख लिए, कहाँ गया ये रे 10, ठीक है चलने देते हैं इसको, और रिलायंस भी एक अच्छे मूड पे आ सकता है। अब देखो ये इसको समझते हैं, देखो ये मेरी ट्रेंड लाइन है, ध्यान से समझना जरा सब लोग प्लीज, देखो ये ट्रेंड लाइन जा रही है वन डे की, और मार्केट यहां पर सपोर्ट लेने आ सकता है, आ सकता है यानी इस पॉइंट पर, राइट है, अगर यहां से गिरा तो फिर तो डाउन में यहां तक आ जाएगा, लेकिन यहां पर ये सपोर्ट बना सकता है, और अगर मैं यहां पर 1 घंटे पे जाता हूं तो 1 घंटे में मेरे को अभी पता लगेगा जो हम देख रहे थे कि मार्केट यहां पर अपने पिवोट पर सपोर्ट ले सकता है, राइट है, ये देखो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अभी चल रहा है नीचे, जब कभी भी 1 घंटे का मार्केट डाउन हो तो आप इस पर बाय मत लेना, तब तक बाय मत लेना जब तक 1 घंटे की ग्रीन कैंडल ना बन जाए, इस टाइम पर 5 मिनट में जाके कई लोग बाय ले लेते हैं, वो मत लेना, वो आपको नुकसान करेगा। मैंने आपको बोला था मार्केट ह्यूज गैप अप है, खुला है तो मार्केट डाउन आ सकता है, तो मार्केट का ये एक सपोर्ट लेवल है ये वाला, अगर इससे नीचे चला मार्केट तो फिर तो अपना पूरा गैप कवर करने आ जाएगा, लेकिन मार्केट इस पॉइंट से एक सपोर्ट ले सकता है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर मार्केट यहां पर 1% 5 मिनट में, 5 मिनट में मार्केट अपना बाय पकड़ने लगता है और 1 घंटे की रेड कैंडल है, तो क्या मेरे को बाय करना चाहिए, ये बताएं। यस, क्वेश्चन आपके कोर्ट में है, आंसर भी आपके कोर्ट में है, मेरे पास नहीं है, ये आपको डिसाइड करना, नहीं करना, बाय नहीं करना, राइट है। फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो मैं 1 घंटा वेट करूं, मतलब 10:15 तक वेट करूं, और मार्केट अगर यहां पर आ भी रहा है तो यहां पर ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो जानी चाहिए या नहीं, मैं तब एक बार को ट्राई कर सकता हूं, या फिर अगर 1 घंटे के अंदर अंदर ये होता है तो ये पूरा बैक मार के इसके ऊपर चले जाना चाहिए या नहीं, यस सर, राइट। तो मैं ज्यादा भी कोशिश करूंगा बिकॉज इट्स 9:20 ओनली, तो मैं यहां पर चेक करूंगा कि मार्केट यहीं से बैक करके इसके ऊपर चला जाए तो मार्केट एक सपोर्ट लेगा, तब मार्केट पूरा मूव कर सकता है ऊपर, जो 500-600 पॉइंट ऊपर है वो मैं ले सकता हूं, तो अभी मैं इसको बाय करने के मूड में नहीं हूं। आप इसको एक काम और कर सकते हैं, मैं वो भी दिखा देता हूं, आप यहां पर क्या करें, निफ्टी के 2 चार्ट लगाएं, ठीक है, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैं आपको सिखाता रहता हूं कि क्योंकि आपको समझ में आती रही चीजें, क्योंकि मेरा काम सिखाना है, मेरा दिल करता है सिखाने का, इसलिए मैं दिल से सिखाता हूं, राइट, बस सिखाने का मेरा दिल करता है इसलिए मैं सिखाता जाता हूं। अब देखो यहां पर मार्केट में 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, इन सबको मैं हटा देता हूं, राइट, इन सबको मैं हटा, सॉरी पिवोट भी हटा दिए मैंने, पिवोट में रख रहा हूं, ये पिवोट है, ठीक है, ये पिवोट है, और 1 घंटे का मार्केट डाउन पर है, और मैं आपको वो लाइन भी लगा के, हाँ जी सर, एक सवाल था, हाँ जी बताए सर, हाँ जी, हाँ जी बोले, मार्केट गिर रहा है तो ऑप्शन का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्या हुआ, मार्केट गिर रहा है पर ऑप्शन का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, मार्केट वापस जाना है, मार्केट वापस जाना है, मार्केट वापस जाएगा, मार्केट गिरेगा नहीं, नहीं नहीं मेरी बात सुने, मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट को, एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑप्शन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मार्केट को वापस जाना है, ऑप्शन पहले बढ़ जाता है, राइट, मार्केट यहीं कहीं से सपोर्ट लेके वापस जाएगा, इसलिए ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है, देख रहे, ठीक है, अब यहां से देखिए मार्केट यहां पर क्या करेगा, मार्केट अगर मैं देखता हूं तो मार्केट अभी डाउन में चल रहा है, देख रहे, 5 मिनट में भी डाउन में, अब ये मार्केट देखो, ये आपका ट्रेंड लाइन जो मार्केट का सपोर्ट होना चाहिए था, मार्केट वहीं पर रुका हुआ है कि नहीं, उस ट्रेंड लाइन के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मार्केट यहां पर सपोर्ट ले सकता है, मार्केट का सपोर्ट कौन सा है, मार्केट का सपोर्ट ये वाला है, देखो डे का सपोर्ट, जल्दी से बताएं पिवोट कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि नहीं, जल्दी से बताएं प्लीज, ये है डे का पिवोट, मार्केट डे के पिवोट पे रुकना चाहिए, वापस बैक मारना चाहिए सपोर्ट के लिए या नहीं, बताओ क्यों कौस्तव जी, जाना चाहिए नितिन जी ऊपर,
यस सर जाना चाहिए। मार्केट का अभी सपोर्ट नहीं बना है, तो मैं अभी देखो वनडे में भी सपोर्ट नहीं बना, वनडे का सपोर्ट ये वाला है, आप चाहो तो इसे ग्रीन कलर से मार्क कर सकते हो, मार्केट का सपोर्ट है ये वाला, राइट है? एक मिनट मैं इसे कर देता हूं, ठीक है, मार्केट का सपोर्ट है ये वाला, तो मार्केट को कम से कम ये सपोर्ट लेना चाहिए। उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है कि ये है ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट ले रहा है, अगर लेता है सपोर्ट तो ये पिवोट है, तो मार्केट को इसके ऊपर आ जाना चाहिए। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये मार्केट का पॉइंट है जहां पर मार्केट को रुकना चाहिए। मेरे को 5 मिनट में क्या दिख रहा है, मार्केट यहां पर ट्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और यही रीजन है कि ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट वापस जाएगा, यहां से मार्केट वापस चलेगा। अब मैं 1 घंटे पे इसको ला रहा हूं, 1 घंटे पे चेक कीजिए, मार्केट आया यहां से बाय पर, देख रहे जहां से ऑप्शन का प्राइस इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि मार्केट को वापस जाना है, इस रीजन से ऑप्शन के प्राइस एकदम से इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, वहां पर बाय में नहीं जाते, देख रहे हैं? तो अब ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 20,500, 20,500 का, एक मिनट, 20,500 का कॉल, ठीक है, दिसंबर का ही ले लेते हैं, एक मिनट, तो ये देखिए मार्केट यहां से भी क्या कर रहा है, मार्केट यहां पर से देखो एक रिवर्स मार रहा है, लेकिन आप बताएं क्या मार्केट को यहां पर बाय होना चाहिए या इसके ऊपर बाय होना चाहिए, बताएं बाय कहां पर होना चाहिए, ऊपर सर, जल्दी से बताएं, ऊपर, ऊपर बाय होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारी गलती समझते हैं, हम लोग ये सपोर्ट बना हम यहीं पर बाय कर लेते हैं, मार्केट अपनी पूरी कैंडल का मिड पोर्शन से वापस हो सकता है या नहीं, डन। आप यहां से ये चेक करें कि ठीक है मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है तो कम से कम मार्केट मिड पोर्शन के ऊपर निकल जाए, कोई बाय होनी भी है तो यहां पर हो, अदरवाइज जिस मोमेंट मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो अपना बाय बनाएगा। मार्केट यहां से रिवर्सल ले सकता है, एक रिट्रेसमेंट और डाउन ये मार्केट कर सकता है, तो अगर मैं इसको 1 मिनट की कैंडल पे ले जाऊं तो शायद आपको थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। रेजिस्टेंस कौन सा है जरा बताएं प्लीज, रेजिस्टेंस ये वाला है कि नहीं है, जी सर ये रेजिस्टेंस है, तो मार्केट को उसके ऊपर जाना चाहिए अभी, तब मार्केट कोई अपना कोई छोटा मोटा बाय पकड़ पाएगा, अभी मार्केट गया नहीं है उसके ऊपर, दिख रहे, तो हम वेट करना है हमें कि मार्केट उसके ऊपर निकल जाए, गया नहीं, तो मार्केट यहां से क्या कर सकता है, ये देखिए ये ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस बनाया और मार्केट यहां से एक इसके नीचे निकल सकता है, आराम से निकल सकता है, तो हम अभी एकदम से बाय करने के मूड में नहीं है। अक्सर बाय करनी है आपको तो इस ओपन के ऊपर करें, वो आपको एक अच्छा बाय देके जाएगा। हाँ अगर इसके ऊपर निकलेगा आप बाय कर सकते हैं, ट्राई ले सकते हैं, कोई ट्राई लेने में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि मार्केट को सोच समझ के ट्रेड करना है। मार्केट कहां ट्रेड कर रहा है, 20,500 पे, तो मेरे को अगर कोई ऑप्शन लेंगे तो 20,600 का ऑप्शन लूंगा मैं, आप बताएं कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए, बताएं आप लोग ही बताएं, यस कौन सा ऑप्शन खरीदना चाहिए, जल्दी से बोले सर, 20,600, 20,600 का, तो 20,600 का आप कोई कॉल खरीदे, आज कितनी तारीख हो गई, 4 हो गई, अभी 3 बचे हुए, 3 दिन बचे हुए हैं, तो अभी हम 7 तारीख का भी कोई ऑप्शन खरीद सकते हैं, अगर कोई ऑप्शन खरीदना पड़ता है तो हम 7 तारीख का ऑप्शन खरीद सकते हैं, वो भी आपके पास एक मूव आपको देके चला जाएगा, लेकिन अभी हम मूड में नहीं है, मूड में नहीं है बाय करने के। उसका रीजन क्या है, देखो अभी मैंने कुछ बाय नहीं किया, आप सोच रहे होंगे सर ने कुछ बाय कर लिया, देखो मेरा कुछ नहीं खाली पड़ा है, ये जो मैंने रिलायंस आपके सामने बाय की यही करके रखे, बाकी कुछ नहीं किया। अब जरा एक पॉइंट समझना, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहां से एक रिवर्सल ले सकता है या नहीं ले सकता सर, अगर रेजिस्टेंस जाना है तो यहीं से ही जाना है मार्केट को, तो अब हम एकदम से बाय तब करेंगे जब मार्केट इसके ऊपर कोई क्लोजिंग दे दे, तब तक हम कोई बाय नहीं करेंगे, तब तक बाय करने का मूड नहीं रहेगा, जब तक इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग आ जाएगी तब हम सोचेंगे कि हां शायद हम कोई बाय कर लेंगे, अभी मार्केट उसके ऊपर गया नहीं। और सबसे अच्छा बाय कब होगा, जब ये कैंडल ग्रीन हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर बैठ जाए तो हमारा एक बहुत अच्छा बाय होगा, तो हम बाय करने का मूड नहीं रख रहे, जबकि गैप अप है होना चाहिए मगर हम बाय करने का मूड नहीं रख रहे, क्यों, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के ऊपर निकलना चाहिए और एक एक मिनट का रेजिस्टेंस हमारा ये बना हुआ है, चलने देते हैं।
अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करेगा और फिर ऊपर चलने की कोशिश करता है, हमारा एक बाय बन सकता है, तब हम एक छोटा बाय ले सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए अभी, चलने देते हैं 1-2 मिनट, 1 घंटा देखो, अच्छा एक बार बताओ, 1 घंटा क्या अब कैंडल के हिसाब से बाय में आ गया, मिड पोर्शन पे, मिड पे बैठा हुआ है कि नहीं, यस सर बायर एक्टिव है जी इस समय? सर अगर मैं देखता हूं एक्टिव कौन है इस समय, एक्टिव बायर हो रखे हैं, राइट, इस समय एक्टिव बायर है, तो कुछ क्वांटिटी मैंने अब यहां पर, अब मैंने एक कॉल की क्वांटिटी बाय की है, यहां से देखते हैं क्या होता है, राइट है, मैंने एक कॉल बाय किया, देखो मैं दिखा देता हूं, ये देखो मैंने एक कॉल कहां गया, ये रहा, ये मैंने एक कॉल यहां से बाय किया, राइट, और मैंने आपको ये देखो चल रहा है, कोई हैजिंग नहीं है, कुछ नहीं है, यहां पर केवल एक कॉल मैंने बाय करके यहां पर रखा है, और इसको हम दोबारा से चेक कर रहे हैं, तो मार्केट में अब मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर आया, नीचे आ सकता है लेकिन थोड़ा सा वेट करेंगे, सबसे अच्छा बाय कहां पर होगा, यहां पर होगा, थोड़ा सा मैंने एक ही क्वांटिटी बाय की है, जिससे मार्केट अगर नीचे आए, ध्यान से चेक करना, कॉल्स के साथ में ये बहुत बड़ा इशू होता है कि लोग यहां पर बड़ी क्वांटिटी बाय कर लेते हैं और वो इशू कर जाता है बाद में, ठीक है, तो जब कभी भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो छोटी सी क्वांटिटी बाय करें, एक छोटा सा लॉट बाय करके रख ले, क्यों, अगर मार्केट नीचे आता है 1%, 1% नीचे आएगा तो आपको लॉस कम होगा, नंबर एक, दूसरा आप नीचे से अपने आप को एवरेजिंग कर सकते हैं आराम से या नहीं, इसलिए इस पॉइंट पर छोटा सा लॉट बाय करें। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपने सपोर्ट पर बैठा है, 1 मिनट के सपोर्ट पर मार्केट बैठा है, यहां से अब ग्रीन कैंडल चलनी चाहिए, इसको ब्रेक करेगा तो आपका एक बाय बन जाएगा, अब वेट कर रहे हैं, यहां पर आपको बाइंग प्रेशर दिखा रहा है या नहीं बताओ, यस यस सर क्या दिखा रहा है, बाइंग प्रेशर, यहां पर आपका बाइंग प्रेशर बन रहा है, और यहां पर बाइंग प्रेशर कब एक्टिवेट हो जाएगा, जब जिस मोमेंट मार्केट इसके ऊपर जाएगा तब एक्टिवेट हो जाएगा आपका बाइंग प्रेशर, अभी नहीं हुआ है, अभी बाइंग प्रेशर नहीं बना है, अभी मार्केट यहां पर रुका हुआ है, तो अगर मैं यहां पर देखता हूं ये वाली कैंडल मेरी ग्रीन बननी चाहिए या नहीं बताओ, ये ग्रीन आनी चाहिए कि नहीं, यस आनी चाहिए सर, कि रेड में बाय कर लेंगे, रेड में बाय नहीं करूंगा मैं, इसको ग्रीन में बाय करूंगा, जब मार्केट ग्रीन में आएगा तो मार्केट को अब क्या करना चाहिए, अब मार्केट को प्राइस एक्शन ये बोलता है कि मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट को यहां से ग्रीन कैंडल बैक मारनी चाहिए या नहीं, यस सर, अगर जाएगी तब मार्केट अपना एक बाय पकड़ेगा, तब तक मार्केट अपना एक बाय नहीं पकड़ेगा, तो हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट वहां पर एक ग्रीन कैंडल मेरे को कर दे, देखते हैं क्या होता है यहां पर, इसको चाहे तो आप ये बना के रख लें या हटा लें तो ग्रीन कैंडल आपको दिखती रहेगी, राइट है, कोशिश ये करनी है कि जब आप काम कर रहे हो तो सोच समझ के काम करो, अब अगर मार्केट यहां से ऊपर चलता है तो यहां तक का एक मूव हो सकता है मार्केट का या नहीं, यस सर हो सकता है, अभी यहां पर देखो मार्केट चल रहा है, मार्केट चल रहा है ऊपर और चलता जा रहा है, देखो अभी चलेगा ऊपर तो वहां तक मार्केट जाएगा, मार्केट का एक्शन रिएक्शन सारे चेक करने पड़ते हैं तब जाके आपको एक मूव मिलता है, देखो यहां पर मार्केट, मेरे को ये 100 क्वांटिटी मैंने लेके रखी हुई है, यहां पर एक क्वांटिटी मैंने और बढ़ा दी थी इसकी, और चल रहा है अभी मार्केट, अभी चलने देते हैं मार्केट को, अभी गया नहीं, मार्केट अभी धीरे धीरे ऊपर चलेगा, मार्केट पहले अपना सपोर्ट बनाएगा और सपोर्ट बना के ऊपर चलेगा, लेकिन ये बाइंग प्रेशर क्रिएट हो जाना चाहिए, लेकिन बाइंग प्रेशर कब कब बहुत अच्छा क्रिएट होगा, जब मार्केट अपने ओपन के ऊपर जाएगा, इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि मार्केट का बाइंग प्रेशर इसके ऊपर है, ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसके ऊपर बड़ा बाइंग प्रेशर है, राइट, वहां से मार्केट तेजी से ऊपर चल सकता है, इस बात का हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, 342 चल रहे हैं अभी, देखो चल रहा है, ये चल रहा है, चलते रहने देते हैं, ये ऊपर चल रहा है, आप यहां से अपना जब अगर ज्यादा लॉट है तो एक लॉट का प्रॉफिट बुक करते चले, अगर एक लॉट का प्रॉफिट बुक करते चलेंगे तो आपके पास एक लॉट बचेगा, उससे आप आगे मैनेज कर पाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो 397 चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, 97.2 पे एक लॉट आपको हटा देना चाहिए, देखो एक लॉट हटा दो, आपका ये प्रॉफिट बुक हो गया कि नहीं हो बताओ, हो गया, आप बताओ, कोई हैज कर रखा है मैंने, कोई आपको ऑप्शन चेन दिखा रहा हूं, कोई अल्फा बीटा गामा कुछ दिखा रहा हूं, कुछ नहीं ना, हम किस पे बात कर रहे हैं, मैं ऑप्शन किस पे कर रहा हूं बताओ, प्योरली ऑप्शन किस पे हो रहे हैं, केवल ग्राफ पे हो रहे हैं कि नहीं, राइट ना, कुछ और नहीं है,
कुछ भी और नहीं है, ये केवल और केवल। और मैंने अभी नितिन जी पूछ रहे थे कॉल क्यों बढ़ रही है, कॉल क्यों बढ़ रही है, आप बताओ कॉल आपको पहले ही बता रही थी कि नहीं कि मार्केट वापस जाएगा, यस और नो? तब तो मार्केट गिर रहा था, आप बताओ क्यों नितिन जी, मार्केट गिर रहा था उस समय या नहीं? और अगर मार्केट गिर रहा है और कॉल बढ़ रही है, क्या मतलब है ये मार्केट बैक मारेगा? मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल्स गिर रही है, दैट मीन्स मार्केट कहीं ना कहीं से रिटर्न मारेगा, राइट ना? अब मार्केट का सपोर्ट लेवल बढ़ गया है या नहीं बताओ? आ गया। अब हमारा मार्केट हमें कितने पैसे दे रहा है? हमें 450 रुपए के आसपास दे रहा है। अभी हम बैठे हैं आराम से और देख रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा। अभी चूंकि मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया है थोड़ा सा, तो अब मार्केट का ये एक दोबारा से रेजिस्टेंस बना हुआ है, मार्केट को इससे ही ऊपर कहीं निकल जाना चाहिए और इसके ऊपर मेरी बाय है। ध्यान से समझना, ये प्राइस एक्शन है, मार्केट को इसके ऊपर मेरी बाय है, इस ओपन के ऊपर बाय है। और मार्केट अगर ओपन के ऊपर जाएगा तो ये वाला सपोर्ट पकड़ लेगा कि नहीं, 1 आवर में? यस सर, राइट है। तो वहां पर एक सपोर्ट आपको बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा, मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकता हूं कि नहीं? यस यस सर, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अभी नहीं बढ़ाना, अभी क्वांटिटी को नहीं बढ़ाना, अभी मैंने छोटी रखनी है क्वांटिटी, अब उसके बाद मैंने बढ़ानी है क्वांटिटी, तब मैं 1000, 2000, 1800, 5000 जितनी मर्जी क्वांटिटी देखूंगा वो मेरी काम करेंगी सारी की सारी। लेकिन सबसे पहले पॉइंट है इसके ऊपर आना मार्केट का। मार्केट अगर उसके ऊपर चलेगा, देखो वेट करना है, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चलेगा दैट मीन्स मार्केट ने अपना बाय पकड़ लिया। अभी भी प्रॉपर बाय नहीं है, मार्केट अपने यहां ओपन से वापस नीचे गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं अगर मार्केट नीचे गिर जाएगा, लेकिन उसके ऊपर मार्केट को चलना चाहिए। तो अब मार्केट अब हो सकता है एक बड़ी कैंडल डाल के इसको ब्रेक कर जाए, एक ही बड़ी कैंडल में इसके ऊपर ब्रेक करके निकल जाए। यहां पर क्या रिएक्शन हो रहा है, जहां पर मार्केट क्या भी बाय में आ गया बताए, 1 आवर में? नहीं आए, नहीं आए, यस नहीं आए। तो अब हमें एक काम करना है, मार्केट का देखो बाय बन रहा है, बाय धीरे धीरे बन रहा है, आया नहीं है बाय, क्योंकि मार्केट यहां पर टॉप पे पहुंचने की तैयारी कर रहा है, यहां पर टॉप पे पहुंचने की तैयारी कर रहा है, तो हमें यहां पर इसे बुक कर लेना चाहिए, राइट? ये राइट नाउ बुक इट। क्यों, रीजन बताएं क्यों किया, बुक किया, कोई बता सकता है मैंने बुक क्यों कर लिया? क्योंकि सर वहां पे रेजिस्टेंस मिल सकती है हमें, वापस ये रेजिस्टेंस मिलके मार्केट वापस चल सकता है, तो मैं वेट करूंगा। चूंकि मेरा छोटा सा प्रॉफिट है, मैंने इसे बुक कर लिया है, तो मार्केट अगर अब इसके ऊपर गया तो सबसे पहले मार्केट इस सपोर्ट पे बैठेगा और इस सपोर्ट के ऊपर मैं बड़ी क्वांटिटी के साथ में जा सकता हूं। लेकिन मार्केट अपने रेजिस्टेंस फेस कर सकता है इस पॉइंट पर, तो मैं अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लूंगा। तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया यहां पर, अब मेरे पास कोई भी पोजीशन नहीं है। देखिए मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है। हाँ जी, बैंक निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी चलते हैं, चलो बैंक निफ्टी देखते हैं, मेरे लिए तो सारे ही बराबर है। यस निफ्टी, निफ्टी एक मिनट, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी बैंक का बहुत अच्छा सीन है अभी, असल में निफ्टी बैंक का दिखाता हूं, एक मिनट। ये तो सर्वर अनअवेलेबल बता रहा है, एक मिनट। आपके ये जीरोदा में कोई इशू आया है? जीरोदा आपका चल रहा है, कोई इशू आ गया? नहीं डालो सर, ऑर्डर हैंग हो गया सर पूरा जीरोदा। हाँ, ये अगर 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 मतलब आपका मार्केट अच्छा चल रहा और जीरोदा सही चल जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं सर, फायर्स भी ओपन नहीं हो रहा है सर, बिल्कुल ट्रू, लॉगिन नहीं हो रहा होगा। हाँ, अभी रुक जाएगा ये, लेकिन अब आप देखो, अब मार्केट ने पता क्या होगा, अब ये होगा कि मार्केट एक बड़ा मूव करने वाला है तो जीरोदा और बाकी सब चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि बड़े मूव में किसको फायदा होता है? बड़े मूव में जो रिटेलर्स होते हैं उनको फायदा होता है कि नहीं होता? और नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा ब्रोकर को। तो इस टाइम पर ही अपना में लगे होंगे ब्रोकर। हाँ वही होगा ना, ये हमें तो टंगा देते हैं, हमें तो किनारे फेंक देते हैं ये लोग, और अपना सारा काम प्रॉफिट शुरू कर देते हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ा इशू होता है, तो इसलिए कोई भी, चाहे जीरोदा है चाहे कोई भी है, जीरोदा तो बिल्कुल ही बेकार है इस मामले में। ये तो आपको यहां तक की, अच्छा एक बात छोटी सी बात बताता हूं आपको,
अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो आपके बाय के चांसेस बहुत सारे होंगे कि नहीं होंगे सर? मोबाइल ऐप चल रहा है लेकिन, हाँ मोबाइल वाला चल रहा होगा क्योंकि वो अलग ऐप है, अब मोबाइल पे नहीं करना चाहते हम। हाँ हो जाएगा, हो सकता है थोड़ी देर में, लेकिन मेरे को एक बार बताओ, अगर मार्केट यहां पर बाय उठाएगा तो मैं थोड़ा सा दूर का कॉल लेना चाहूंगा कि नहीं? कम में मिल जाएगा ना बड़ी क्वांटिटी के साथ में? यस सर, मिल जाएगा। ये ब्रोकर ये नहीं लेने देंगे आपको, पॉइंट समझ रहे, यही वाला नहीं लेने देंगे जरा सा दूर भी, लिक्विडिटी मना करना शुरू कर देते हैं। जबकि अगर मैं एनालिस्ट हूं, मेरे को तो पता है मार्केट को शूट करना है 400-500 पॉइंट, तो मैं तो थोड़ा दूर का लूंगा ना, मेरे को क्वांटिटी बहुत अच्छी मिल जाएंगी। लेकिन ये लोग करने नहीं देते, तो हमेशा अब आ गया शायद, ये आ गया है। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार। अब देखते हैं यहां पर मार्केट क्या कर रहा है, एक घंटे में, एक मिनट आने देते हैं जरा आ जाए तो। सर पहला बार फ्यूचर्स यार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया था पंजाब नेशनल बैंक का, पीएनबी। अरे वाह, कितना एक लाख प्रॉफिट आया। हाँ प्रॉफिट आया, हाँ 14,793 सर। क्या बात है, तो पार्टी हो गई। यस सर, 8135 में खरीदा था सर, 8325 में निकाल दिया। बस मजे आ गए, फिर तो पार्टी हो गई आज। थैंक यू वेरी मच सर, आपका वजह सर, कोई इंडिकेटर ने कुछ नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर से सर ये काम किया सर। प्राइस एक्शन इज द बेस्ट, प्राइस एक्शन समझ में आ गया ना, दुनिया की कोई चीज आपके काम नहीं आएगी। सर आपने जैसा सीखा ना सर, वीकली, मंथली, वीकली, डेली, आवरली, फिर 15 मिनट में जाके ट्रेड लिया था और वैसे जाके निकल दिया सर। हुई अभी अभी देखते जाओ आगे 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 आगे, मेरे पास बहुत सारी चीजें आपके लिए, क्योंकि आने वाले एक साल, ध्यान से रखिए मैं बोल रहा हूं आपको, आने वाले एक साल के अंदर अंदर मैं आपको प्रिसाइजली बता पाऊंगा कि यहां से मार्केट आज मूव करेगा और यहां तक करेगा। यस सर, सर आने वाले, आने वाले आपको प्रणाम सर, आपको कोटी कोटी प्रणाम। नहीं नहीं देखो, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरा है रिसर्च का काम, मेरा पैसा कमाने का काम नहीं है, मैं पैसा नहीं कमाता। पैसा दिख रहा है आपको सब निकलता हुआ, लेकिन मेरा कोई दिल नहीं करता पैसा कमाने का। देखो पैसा आपको दिख रहा होगा, मैं कमा रहा हूं, सब हो रहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता पैसा कमाने का। राइट है, मेरा पढ़ाने का दिल करता है, मैं पढ़ाने के पीछे रहता हूं सारे दिन। तो अब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कि मैं नई चीजें निकाल रहा हूं, वो नई चीजें आपकी बहुत काम आएंगी, बस आप लोग जुड़े रहना। राइट ना, बस जुड़े रहना। देखो नुकसान किसको होगा, नुकसान उसको होगा जो जुड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि देखो जो नॉलेज होती है ना वो डे बाय डे बढ़ती है, ऐसा नहीं होता कि आपने एक साल निकाल दिया तो बढ़ गई, नॉलेज डे बाय डे बढ़ती है। आज आपको ये समझ आ रहा है, देखो आज की क्लास में क्या समझ आ रहा है, एक घंटा और मैं एक मिनट को कंपेयर कर सकता हूं आपस में या नहीं? यस सर, राइट है। जिस मोमेंट ये इसके ऊपर जाएगा मार्केट, जिस मोमेंट जाएगा अभी 10-11 बजे तक, जिस मोमेंट इसके ऊपर जाएगा ये मार्केट इसके ऊपर निकला होगा और एक बड़ा शूट आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अभी नहीं है। अभी मार्केट यहीं पर रुकेगा, इस जगह पर मार्केट यहां पर गया, ये सपोर्ट पकड़ेगा, अभी यहां पर रुकेगा, मार्केट है बाय में, इसके ऊपर जाने में टाइम लेगा और हो सकता है इसके नीचे भी गिर जाए, इसके नीचे भी आ जाए, हो सकता है, लेकिन मार्केट जिस मोमेंट इसके ऊपर गया एक बड़ा शूट आपके पास है, तो यहां पर से बड़ी क्वांटिटी के साथ में आप काम कर पाएंगे, कॉल्स ले पाएंगे। ये आपको अब समझ आ रहा होगा कि मैंने अपनी कॉल को क्यों निकाल दिया। देखिए अब क्या हो रहा है मार्केट का, सीधे सीधे धीरे धीरे चलना शुरू हो रहा है। यस सर, इसीलिए मैंने अपनी कॉल को निकाल दिया, मैंने रखा नहीं, रख सकता था, मैनेज भी कर सकता था, मगर नहीं किया मैनेज। देखो मैंने छोड़ा हुआ है। रिलायंस देखो, रिलायंस मैंने क्वांटिटी को बाय किया, ये नीचे आ रहे हैं, मैं आराम से रख के बैठा हूं, मैं इसको नहीं देख रहा हूं, मैं आराम से रख के बैठा हूं, क्योंकि ये अभी ऊपर आएगा और तेजी से ऊपर चलेगा, इसलिए रिलायंस को अगर नीचे आएगा भी मैं इसको मैनेज करूंगा। राइट है, मैं यहां पर से, अच्छा मैं बैंक निफ्टी देख रहा था, एक मिनट बैंक निफ्टी को देख रहे थे, एक मिनट हम जब मार्केट चला गया था, एक मिनट मेरे को दीजिए जरा, ये निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक क्या करने की कोशिश कर रहा है जरा ध्यान से देखिए, क्या करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक? लो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से चेक कर, ऐसा नहीं कि लो ब्रेक हो गया, ट्राई कर रहा है, ट्राई कर रहा है। तो मार्केट अभी सेलिंग में भी नहीं है, बाइंग में भी नहीं है। तो अगर मार्केट अपने पहले लो को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी एक छोटा सा मूव डाउन का ले सकते, वेट कर रहे, लेकिन अभी ब्रेक नहीं किया तो हम नहीं बोलेंगे जब तक मार्केट ब्रेक ना करे। तो अगर मैं इसको
बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूं तो मार्केट कहां पर है, मार्केट अपने ऐसे एरिया पर बैठा है, ध्यान से चेक करना है, बैंक निफ्टी का बिल्कुल अलग इंटरप्रिटेशन है, मार्केट ऐसी जगह पर बैठा है जहां से मार्केट ने अपना सेलिंग शुरू किया था, राइट यस राइट सर है। इसको मैं अगर मार्किंग करके देखूं, पॉइंट होते हैं बस छोटे छोटे से जो कि आपकी ट्रेडिंग को एनहेंस करते हैं और आपकी ट्रेडिंग को थोड़ा स्ट्रांग बनाते हैं। देखो ये पॉइंट है जहां से मार्केट गिरा था, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वहीं बैठा है, यहां से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी कहीं पर भी जा सकता है, मार्केट ब्रेक करने के ऊपर ज्यादा चांसेस है, लेकिन हम वेट करेंगे कि मार्केट करता क्या है। देखो इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर बैठा है, देखते हैं अभी 1 घंटे में मैं बात करता हूं तो मार्केट एग्जैक्टली यहीं पर बैठा है। अब मैं जरा चल रहा हूं 5 मिनट में, मार्केट यहां पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है या नहीं, मार्केट अपना सपोर्ट बना रहा है राइट। गया। हाँ तो अभी मार्केट अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट का भी सपोर्ट बनेगा इसमें राइट। मार्केट का भी एकदम से सेलिंग नहीं, बहुत बड़ी सेलिंग नहीं है, लेकिन अगर मार्केट आने लगा तो आ भी सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस बाइंग के हैं और मार्केट अभी अपने सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए अब आपको क्या चेक करना है, यहां पर एक चीज और भी चेक करनी है। देखो मेरा साइडवेज मार्केट बना ये वाला राइट, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को हायर साइड पे जाके बैठना चाहिए या नहीं, यस सर और मार्केट को अगर नीचे आना है तो ऑब्वियस है कि मार्केट को लोअर साइड पे बैठना चाहिए। तो मेरे को अभी ये चेक करना है कि मार्केट किस साइड को ब्रेक करता है, तो इस साइड को ब्रेक करना चाहिए मार्केट को, ऊपर वाली साइड को कम से कम, यस सर अगर करेगा तो अच्छा है, नहीं करेगा तो फिर नीचे आ सकता है मार्केट, तो उसको ब्रेक करना जरूरी है। तो हम यह वेट करेंगे कि मार्केट इसको पहले ब्रेक कर जाए, मार्केट ने वो ब्रेक नहीं किया अभी राइट, अभी वेट कर रहे हैं खाली। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को आप चेक कर सकते हो, तो मार्केट यहां पर एक ब्रेकआउट दे सकता है इधर साइड, ऊपर साइड या नीचे साइड, यहां पर आप आराम से, ये है कॉफी बनाने का टाइम राइट, कॉफी बनाओ कॉफी पियो यस सर राइट। इस टाइम पर जबरदस्ती जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी क्यों नहीं, हम सोचेंगे मार्केट को तो ऊपर ट्रेड करना ही करना है और मार्केट ऊपर ट्रेड करेगा, हमने अपना ट्रेड ले लिया और मार्केट वहीं हमें बड़ा नुकसान करके चला जाएगा, क्योंकि यहां से मार्केट टूटा नीचे तो फिर नीचे भी तेजी से चलना शुरू होगा। तो हमें यहां पर आराम से तसल्ली से बैठ के अपने ट्रेड को चेक करना है कि कहां जाएगा मार्केट, ऊपर या नीचे, किसी भी साइड ब्रेक कर सकता है। देखो क्या कर रहा है मार्केट, जरा देखे क्या ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कहां पर आ गया, यहां पर आराम से तसल्ली से बैठ के ट्रेड करें, देखें कि मार्केट क्या कर रहा है, कुछ ज्यादा नहीं करना। यहां से आप ट्रेंड लाइन का यूज करना चाहें तो मेरी ट्रेंड लाइन ये बनती है कि नहीं, मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन से वापस जा रहा है बार बार या नहीं, देखो यस सर अभी भी बिल्कुल ट्रेंड लाइन से गया है वापस, तो इसे ब्रेक करना मार्केट को जरूरी है या नहीं है बताओ। यस सर डन। नीचे की जो ट्रेंड लाइन है, नीचे की ट्रेंड लाइन, नीचे का तो सपोर्ट ही बना हुआ है पूरा, ये सपोर्ट ही है नीचे का, तो अब देखना है कि मार्केट का यहां पर क्या होता है। यहां पर देखेंगे बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी अगर नीचे की साइड ब्रेक होगा तो सेलिंग नहीं है, एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, यस सर रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, अभी वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करेगा। तो अभी हमने अपने कॉल्स को निकाल दिया है, अभी देखेंगे मार्केट हो सकता है यहीं से तेजी से शूट भी कर जाए ऊपर, हो सकता है, हम वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट ने पहली बार सपोर्ट पकड़ा, दूसरी बार सपोर्ट पकड़ा, तीसरी बार मार्केट यहां वेट कर रहा है, तो देखते हैं मार्केट यहां से बैक करके ऊपर चला जाता है या नीचे आता है। वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट है तो बाय में, हो सकता है मार्केट ऊपर ब्रेक कर जाए, लेकिन जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा कोई बाय नहीं बनेगा बैंक निफ्टी का। यस क्या बाय बन गया अभी बता। बैठा हुआ है हाँ देखो अभी वेट कर रहे हैं हम, मेरे को तो डेली वेट का करना है 800 पे बैठा हुआ है। बिल्कुल, अब देखते हैं इसको डेली पर भी देख लेते हैं, डेली में कहां पर बैठा हुआ है, ये आपका पिवोट भी लगा के चाहे तो चेक कर लो यहां पर, ठीक है पिवोट भी आप चेक कर लें, ये पिवोट है और ये देखिए आपका मार्केट यहां बैठा हुआ है। तो अभी वेट करते हैं इसको, 1 घंटे पे भी देख लेता हूं मैं मार्केट क्या कर रहा है। 1 घंटे के सपोर्ट पे बैठा हुआ है मार्केट, ये सपोर्ट है 1 घंटे का। अगर मैं 5 मिनट की बात करता हूं तो 5 मिनट पे भी मार्केट ठीक ही बैठा हुआ है, अब ऊपर ब्रेक कर सकता है ये, अगर हम देखें तो ऊपर ब्रेक कर सकता है ये, वेट करते हैं, वेट करते हैं, मार्केट एक पॉइंट
पैटर्न बना के बैठा हुआ है, और अगर इस पैटर्न को आप देखते हैं तो मार्केट में पैटर्न कौन सा है, अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपका एक ट्रायंगल पैटर्न है, राइट? तो अब देखते हैं मार्केट इसे ऊपर ब्रेक करना चाहिए यहां पर, अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो हमारा बाय निकलना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज हम वेट करेंगे थोड़ा सा बाय के लिए, अभी एकदम से नहीं जाएंगे बाय में, हम थोड़ा सा वेट करेंगे बाय के लिए अभी, डन, वेट करते हैं। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो आपकी कॉल शुरू हो जाएगी दोबारा से, लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम सेलिंग नहीं करेंगे, पुट नहीं लूंगा मैं, ये बात ध्यान रखना है, मैं पुट के लिए नहीं जाऊंगा, राइट? मैं जाऊंगा कॉल के लिए ही, अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो मैं ले लूंगा, अगर नीचे आएगा तो मैं नीचे से कॉल ही बाय करूंगा, राइट? क्योंकि मार्केट बुलिश है, मार्केट बियरिश नहीं है, तो कभी भी ऐसा गलती मत करना कि नीचे ब्रेक हुआ तो आप पुट लेना शुरू कर देते हो, क्योंकि किसी भी मोमेंट मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो मैं पुट नहीं बाय करूंगा। देखो नीचे ब्रेक कर रहा है तो मैं पुट नहीं बाय करूंगा, उससे अच्छा मैं नीचे जाके कॉल का वेट करूंगा। आप बताओ, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, आने दो नीचे, आप बोलोगे सर यहां तक आएगा इससे अच्छा तो हम पुट ले लेते, प्रॉफिट हो जाता पुट में, लेकिन मेरा डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा कि नहीं, बताओ? यस सर, मेरा डिसिप्लिन में बिगाड़ दूंगा, और वो डिसिप्लिन मेरे को लाइफ में मेरे को नुकसान करेगा, तो उससे अच्छा मैं यहां पर पुट लेने की बजाय, अपने पुट में प्रॉफिट लेने की बजाय मार्केट को आने दूंगा, मार्केट जब अपने सपोर्ट पर आएगा तो मैं यहां से अच्छी क्वांटिटी बाय करके वापस चल सकता हूं या नहीं, ठीक है? यस, तो मैं सेलिंग नहीं करूंगा, सेलिंग के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, मार्केट अगर आता भी है इसके नीचे तो भी मैं सेलिंग नहीं करूंगा, राइट? भाई आप करना चाहो कर सकते हैं, वो आपका प्योरली आपका डिसीजन है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं इसको बाय साइड में ही देखूंगा। उसका रीजन है कि मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया, अभी वेट चल रहा है उसका, तो इस समय अगर मैं देखूंगा तो मार्केट में मेरे को एक बाय साइड ढूंढनी चाहिए सेलिंग साइड के बजाय, और बाय साइड जाने के लिए मार्केट सेलिंग साइड को थोड़ा सा आ सकता है तब ऊपर जा सकता है। लेकिन एक साइड हमने एक चीज और पकड़ी थी अभी, और वो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि मार्केट एक ह्यूज गैप अप के साथ में खुला हुआ है, राइट है? तो एकदम से मार्केट का बाय जाना पॉसिबल थोड़ा सा कम है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर मेरे को बाय करनी ही है तो मैं इसके ऊपर करूंगा। निफ्टी को अभी हम देख रहे थे, मार्केट में निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है? यस, क्या मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है? देखे नो सर, नहीं, मार्केट तो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, अभी तो देखो ये चल रहा है नीचे। लेकिन अगर ये कौन सा पैटर्न है, ये आपका फ्लैग पैटर्न, फ्लैग पैटर्न कौन सा, ये फ्लैग बनाया सर, फ्लैग बना रखा सर, बन रहा है, कहाँ टूटना चाहिए इसको बताएं? यस, कहाँ टूटना चाहिए? ऊपर, ऊपर टूटना चाहिए, तो हम इसे ऊपर टूटने का वेट करेंगे, ऊपर टूटने का वेट करेंगे, नीचे नहीं। तो अब मैंने 20,578, 600, तो हम अभी 20 अराउंड 700 का कॉल, थोड़ा ऊपर का कॉल ये पड़ रहा है मेरे को 51 का, ठीक है, 20,700 का कॉल 51 का, लेकिन अभी बाय नहीं करेंगे इसको, पहले इसे निकल जाने देते हैं, निकल जाने देते हैं, तब हम इसे बाय करेंगे, अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा, राइट है, थोड़ा सा रुक जाएंगे, टाइम ले लेते हैं इसको, उसके बाद हम बाय करेंगे इसको। ये देखो, क्योंकि अभी मार्केट अभी ऊपर चलना शुरू नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर चलेगा तब हम इसको करेंगे, अभी नहीं। अभी देखो मार्केट धीरे धीरे स्लो डाउन कर रहा है, ये देखो धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, मार्केट का पहला हाई ये था, दोबारा यहां से ऊपर गया, दोबारा हाई ये बनाया, तीसरी बार मार्केट का हाई ये बना, फिर चौथी बार मार्केट का हाई ये वाला बना है, तो मार्केट अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, देख रहे? और मार्केट का इसके ऊपर मिनिमम हाई बनता है, मतलब मिनिमम बाय इसके ऊपर बनता है, तो मार्केट कहां चलना शुरू हुआ? नीचे की तरफ, यस। और हमने क्या सोचा था, अब देखते हैं हमारी सोच क्या थी। हमारी सोच ये थी कि मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम बाय नहीं करेंगे, ये सोचा था हमने या नहीं, बताओ? जी सर, अगर हम ये सोच के चलते तो हमारा अभी कोई, अगर हमने बाय किया भी होता तो नुकसान नहीं होता ना, मतलब बाय करना ही नहीं था एक्चुअली हमें तो, राइट? हमारी बाय तो इसके ऊपर ही होती, वो तो मैंने आपको बाय करके दिखाया, लेकिन बाय आपका थी नहीं, बाय इसके ऊपर ही होती। तो अब देखते हैं मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो एक डाउन हो सकता है मार्केट का या नहीं, छोटा सा देखें, हालांकि है नहीं,
लेकिन मार्केट का एक डाउन मिल सकता है आपको, और वो अगर आने लगा तो मार्केट को यहां तक का एक डाउन हो सकता है, इतना देख रहे नीचे चलना शुरू हुआ। सर आज 300 पॉइंट, आज 300 पॉइंट ऊपर खुला है तो कोई बहुत अपसाइड तो हार्डली एक्सपेक्टेड होगा मार्केट में? नहीं, हार्डली नहीं जाएगा मार्केट, आज ठीक तो है। डाउनसाइड का ही खेला जाएगा जहां तक है, हाँ या डाउन कंसोलिडेट हो डाउन ही जाएगा, यस या डाउन ही कंसोलिडेट हो रहेगा जाएगा। मार्केट। हाँ, या तो कंसोलिडेट हो जाना है या फिर डाउन चले जाना है मार्केट को, यही होना है। लेकिन एक पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से चेक करना कि देखो मार्केट का लो बना है ये वाला, ध्यान से चेक करो मार्केट का लो बना है ये वाला, तो अगर कोई सेलिंग करोगे भी आप, करने भी लगते हो, तो इसके नीचे करनी चाहिए या नहीं? यस सर, इसके ऊपर सेलिंग करने का कोई मतलब नहीं है, मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर जाएगा, इस बात को समझते हैं। देखो मार्केट का सपोर्ट लेवल अभी ये वाला था कि नहीं था पहला, तो मार्केट इसी सपोर्ट से रिवर्स कर सकता है, और मार्केट ने अभी तक का लो हमारा ये वाला बनाया, तो जब तक लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें सेलिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, राइट है? इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट है? छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो आपका मार्केट आपको फायदा देके चले जाएगा। अभी तो ये जीरो था, फिर चलना बंद हो गया है, ठीक है, कोई ऐड नहीं कर रहा है मेरी इसमें। ना मैं कोई कॉल भी ऐड कर रहा हूं तो नहीं करने दे रहा है मेरे को, ठीक है? देखो मैं दिखा देता हूं यहां से, ये देखो यहां पर मैं अगर 20-500 का पी भी ऐड करता हूं कोई सा भी, तो ये देखो एरर दिखा रहा है मेरे को। इनकी एरर शुरू हो जाती है, ये शुरू हो जाती है इनकी एरर इसी टाइम, और इसी टाइम पर मिलेंगी सारी एरर। सर मोतीलाल ओसवाल का भी वही थोड़ा सा हेडेक चालू है। हाँ ये होता ही है इनका। नहीं अब देखो मार्केट में, जब मार्केट नीचे आना शुरू हो रहा है थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा मार्केट, तो मार्केट अभी नीचे आने के लिए तैयारी हो सकती है, राइट है? थोड़ा सा वेट करना। नहीं देखो जो मैं बोल रहा ना, कई सारे, हाँ जी, अभी जिस पे अभी मार्केट के अंदर इस टाइम पर मार्केट में सबसे ज्यादा इश्यूज होते हैं, जब मार्केट आपको बड़ा मूवमेंट देने वाला होता है। आप मेरे को एक छोटा सा पॉइंट बताओ, अगर मार्केट यहां से नीचे चलने लगा तो 300 पॉइंट का डाउन है कि नहीं है? है? और ये ट्रेडर्स को पचेगा नहीं, जो आपके ब्रोकर्स हैं इनको पचेगा नहीं इतना बड़ा ये डाउन, क्योंकि यहां पर सारे जितने रिटेल ट्रेडर्स हैं सब प्रॉफिट लेके चले जाएंगे, इसलिए इनको पचेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? तो मार्केट अभी बाय में जाने की बजाय, अभी बाय में गया नहीं मार्केट, मार्केट बाय में जाने की बजाय मार्केट एक थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट ले सकता है नीचे, वो थोड़ा रिट्रेसमेंट 300 पॉइंट तक का भी हो सकता है, मार्केट यहां तक आ सकता है डाउन में। तो अभी हम जब तक, तब तक मैं बाय नहीं करूंगा जब तक मार्केट इसके ऊपर ना जाए, चले जाए। तो मार्केट इसके ऊपर नहीं गया तो मैं सेफ बैठा हूं, राइट है? मैं सेफ हूं उस समय पे, मैंने, मेरा कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, समझे? अब दूसरा पॉइंट, मार्केट अगर यहां तक आ जाएगा तो सारे स्टॉक डाउन में आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर, डाउन में आ जाएंगे। तो अब आपको जो भी अपने पिवोट के ऊपर बैठे हैं स्टॉक्स, और अगर निफ्टी नीचे आता है तो, और वो पिवोट के ऊपर ही रहते हैं स्टॉक, तो आपको उनको बाय कर लेना चाहिए। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपका निफ्टी जो है वो नीचे आ गया, जब आपका निफ्टी नीचे आए, कोई अगर स्टॉक अपने मंथली पिवोट के ऊपर बैठा हुआ है और वो नहीं गिरा है नीचे, तो वो एक बाय का कैंडिडेट हो जाएगा। जब निफ्टी ऊपर चलने लगेगा तो आपका ये स्टॉक अपने आप तेजी से भागने लगेगा, देख रहे हैं? ये पार्ट आपके पास एक होगा, आपको ध्यान रखना इस पार्ट का। आप देखें मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है, ये दिख रहा है ये सपोर्ट लेवल। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो लास्ट उम्मीद मार्केट की यहीं पर ही है। अगर मार्केट इसके नीचे चलने लगा तो इस लो के नीचे मार्केट एक सेलिंग की तरफ आ जाएगा, मतलब रिट्रेसमेंट ही लेगा। तो मार्केट को यहां पर एक सपोर्ट लेवल है। अब यहां पर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, और मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। एक मिनट, यहां पर सपोर्ट लेवल लगा देता हूं मैं इसका। मार्केट में यहां पर एक सपोर्ट लेवल है, आप चाहो तो इस जगह पर अगर ऊपर चलेगा तो मार्केट का एक कोई बाय बना सकता है। ये देखिए इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर अगर चलेगा तो वहां से एक बाय बन सकता है। आप यहां पर किसी इंडिकेटर की हेल्प भी ले सकते हैं, क्लाउड की हेल्प ले सकते हैं आप,
कोई सा भी। अगर देखो मैं यहाँ पर क्लाउड लगाना चाहूं तो क्लाउड मेरे को क्या बोलते हैं देखते हैं यहाँ पर, क्या क्लाउड आपको बोल रहे हैं बाय करने के लिए बताएं, कम से कम बाय कहां पर होगी? यस इनके दो कन्वर्जन, चूंकि एक मिनट का टाइम फ्रेम है तो दोनों के ऊपर ही बाय दूंगा मैं, कन्वर्जन बेस दोनों के ऊपर। तो मार्केट आपको मना कर रहा है ना बाय के लिए अभी, भी नजदीक आ रही है और क्या, मार्केट मना कर रहा है कि भाई मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है ऊपर जाने की बजाय, तो मार्केट को हम बाय साइड में ना रख के नीचे सेल साइड में रखेंगे, राइट है? छोटे छोटे पॉइंट है, इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो मार्केट हमें ऐसा नहीं बड़ा नुकसान करता है, मार्केट दे देता है पैसे। तो अभी जब तक मार्केट इन दोनों के ऊपर ना चला जाए तब तक हमारा एक बाय नहीं बनता है। आप देखो मार्केट में यहां पर हमने क्लाउड कर रहे हैं, क्लाउड हमें बोल रहा है कि मार्केट में चीका उस्पैन ने कन्वर्जन लाइन को क्रॉस कर दिया, दैट मीन्स एक डाउन एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट यहां से बेस लाइन को भी क्रॉस कर लेता है तो तब तो एक डाउन सही में एक्सपेक्टेड होगा नीचे, राइट है? और मार्केट का अगर बाय होना है तो उसके ऊपर ही होना है। आज तो मार्केट चल नहीं रहा है, मतलब ब्रोकर्स चला नहीं रहे हैं, इशू है। मार्केट में जब भी एक बड़ा मूवमेंट आने वाला होता है ना, ये ब्रोकर के साथ ये इशू होता है, उनका लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, उनका टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, ये सब होता ही है, राइट? और आपकी नुकसान किसको होता है? नुकसान होता है आपको, क्योंकि आपकी पोजीशन फंसी होती है। आप सोचो आपने 1000 क्वांटिटी खरीदी है, मेरे साथ तो अक्सर हो जाता है, मैंने सपोज 1800 क्वांटिटी खरीदी है मैंने, और मार्केट चल रहा है ऊपर, इनका टेक्निकल इशू आ गया। टेक्निकल इशू में क्या हुआ, पता लगा मेरा अपना प्रॉफिट चल रहा है लाखों का, मैं नहीं बुक कर सकता। ये अक्सर कोई नई बात नहीं है, ये हो जाता है। तो ये ब्रोकर के साथ में जब कभी भी आपको बड़ा एक वो लगे कि मार्केट एक बड़ा मूवमेंट ले रहा है, तो उस टाइम पर अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा छोटा रखें, हल्का सा, राइट? मार्केट देखिए अभी कुछ नहीं कर रहा है, अभी चल नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्लास को यहां पर रोकता हूं, अभी कुछ नहीं हो रहा है, ब्रोकर ही काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे यहां पर, सर्विस अनअवेलेबल, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आपको अगर बाय करना है तो बाय हमेशा इसके ऊपर करना, राइट? अभी मत करना, घंटे भर का कम से कम बाय आ जाने दो। अभी देखो मार्केट कितना 959 हो रहे हैं, 10:15 पर नई कैंडल बनेगी कि नहीं? यस सर। और अगर नई कैंडल, ध्यान रखना, नई कैंडल अगर इसके मिड पोर्शन के आसपास ग्रीन होती है तो आपको एक बाय का सिंबल मिल जाएगा, राइट है? और यहां पर राइट साइड में क्या होना चाहिए, बेस लाइन के ऊपर मार्केट, यही है, देखो कन्वर्जन लाइन के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, बेस लाइन के ऊपर आपकी बाय बनेगी। और अगर हम इसको टेक्निकली देखते हैं तो मार्केट यहां से गिरा है, इसके ऊपर आपकी बाय है, राइट? तो आपका ये बेस लाइन के ऊपर भी आ जाएगा तो यहां पर एक बाय बनाएगा। मैं सेलिंग के मोड में अभी नहीं हूं मार्केट के बहुत बड़े, क्योंकि मार्केट नीचे भी आएगा, नीचे आ भी जाएगा तो मैं नीचे से बाय करूंगा, क्योंकि बाय का टर्न है, सेलिंग का टर्न नहीं है अभी। तो बाय के मूड में है हम लोग, सेलिंग के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। तो मार्केट कहीं से भी बाय लेगा मैं बाय लूंगा, ठीक है? लेकिन अभी बाय का सीन इसलिए नहीं बना पूरा अच्छी तरह से, क्योंकि ये कैंडल अभी रेडी है और हमें पता है एक 200-300 पॉइंट का मूव मार्केट ने लिया है, तो एक थोड़ा सा कूल होने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है? तो चलिए मैं क्लास को यहां पर रोकता हूं अभी, और बस करते रहिए, आराम से सीखते रहिए, ठीक है? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।